कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर प्रस्तावित उपचुनाव को लेकर भाजपा में अंदरखान ने अब सियासत तेज हो चली है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक टिकट की दौड़ में 80 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन बीते दिनों 10 नामों की लिस्ट बनाकर प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी गई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने इन 10 नामों पर सर्वे भी शुरू करा दिया है। 10 नामों की लिस्ट में एक ब्राह्मण, एक वैश्य और एक दलित चेहरे के नाम पर पार्टी ने सर्वे कराना शुरू कर दिया है। भाजपा सरकार आने के बाद सीसामऊ सीट पर भाजपा दो बार ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाकर हार चुकी है। कहा जा रहा है कि इस बार भाजपा अन्य वर्ग के चेहरे पर भी विचार कर रही है। हालांकि मामले में क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल का कहना है कि नामों की लिस्ट प्रदेश कार्यालय भेजी गई है, सर्वे कराया जा रहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि भाजपा में सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले भाजपा नेता को टिकट देने की मांग जोर पकड़ रही है। हालांकि इसमें भी कई नेताओं के नाम चल रहे हैं। पार्टी ने अगर इस मांग पर विचार किया तो क्षेत्र के ब्राह्मण चेहरे पर पार्टी विचार कर सकती है। टिकट के लिए जिन 10 नामों की चर्चा है उसमें MLC सलील बिश्नोई, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी, पूर्व सीसामऊ प्रत्याशी सुरेश अवस्थी, पूर्व सांसद सत्यदेव पचौरी के बेटे अनूप पचौरी, प्रदेश संयोजक स्वच्छता अभियान प्रकल्प के सत्येंद्र मिश्रा, घाटमपुर से पूर्व विधायक उपेंद्र पासवान, किदवईनगर सीट से पूर्व विधायक और कांग्रेस से भाजपा में आए अजय कपूर, पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया, भाजपा नेता संजय जाटव और वरिष्ठ भाजपा नेता किशनलाल सुदर्शन का नाम शामिल है। इन 10 नामों में नेता सदन और गोविंद नगर उत्तरी वार्ड 93 से पार्षद नवीन पंडित का नाम नहीं है। नवीन भी टिकट की जुगत में लखनऊ तक परिक्रमा कर चुके हैं। एक ब्राह्मण चेहरा होने के साथ साथ नवीन मुसलमानों और दलितों के बीच मजबूत पकड़ रखते हैं। सीसामऊ सीट से कई मुस्लिम पार्षद नवीन के बेहद खास बताए जाते हैं। भाजपा सीट पर वैश्य और दलित समाज से आने वाले नेताओं पर भी विचार कर रही है, क्योंकि भाजपा से इस सीट पर 3 बार राकेश सोनकर विधायक रह चुके हैं। ये सीट साल 1991 से 2002 तक लगातार 3 बार भाजपा के पास ही रही है। यहाँ से 3 बार राकेश सोनकर विधायक रहे, जबकि इसके बाद 2002 से 2012 तक यह सीट कांग्रेस से संजीव दरियावादी के पास रही। दोनों ही विधायक दलित चेहरे के रूप में यहां से जीत कराए। भाजपा बीते चुनावों में ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाती रही है, लेकिन उसे हार का मुंह देखना ही पड़ा है। सीसामऊ विधानसभा में अगर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो यहां हिंदू 61.28%, जिसमें 12.02% अनुसूचित जातियाँ शामिल हैं, मुस्लिम 36.67%, ईसाई 0.22%, सिख 0.10%, बौद्ध 0.04%, जैन 0.77% और अन्य 0.92% हैं। इस मुस्लिम बाहुल सीट पर भाजपा को जीत हासिल करने के लिए ब्राह्मण और दलितों को एकजुट करने के साथ साथ कुछ हद तक मुस्लिम वोट भी हासिल करना होगा, क्योंकि मुस्लिम मतदाता भाजपा से खासा नाराज है। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा सीसामऊ विधानसभा बुरी तरह हार चुकी है। ऐसे में भाजपा को मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए एक ऐसे चेहरे को मैदान में उतारना होगा जो पार्टी नहीं बल्कि अपने चेहरे पर मुस्लिम वोट हासिल कर सके। ऐसे दो चेहरे अजय कपूर और नवीन पंडित के रूप में पार्टी के पास मौजूद हैं, जिसमें नवीन पंडित ब्राह्मण हैं और मुसलमानों के बीच अपने दम पर सबसे मजबूत पकड़ रखते हैं। अंदर खाने तो खबर यह है कि सीसामऊ सीट से मुस्लिम पार्षद एक तरफा नवीन की ओर झुके हुए हैं, लेकिन पार्टी ने अपनी लिस्ट से इस कद्दावर नेता का नाम ही नदारद कर रखा है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।